एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और खैरियत से होंगे। जो हमारा आज का एपिसोड होने वाला है वो इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो ये सीरीज कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बिना किसी देरी किए हम अपने फाइनल फाइट को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है वो ड्रैगन मॉन्स्टर जिसका नाम लॉन्ग चेन होता है, वह पेयर होती है। इसकी भी कॉम्बैक्ट पावर 200,000 होती है। जैसे ही सुई तेजी से अपने शॉर्ट से उस पर अटैक करने जाता है, स्मूथली से वहां से साइड हो जाती है और वो बेचारा तो धड़ल्ले से नीचे गिर जाता है। ये दोनों भी कह रहे होते हैं कि अब तो ये गया काम से, इसे कोई नहीं बचा सकता। अब भी हम देखते हैं कि वो दो रैबिट्स अपने मिक्स्ड बॉडी स्किल से एक बनी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिसकी श्रॉड वो कैरेट बन जाती है। वो बनी चेन लॉन्ग के सामने बहुत तुच्छ सा होता है, कह रहा होता है कि मेरी एनर्जी तो काफी ज्यादा बढ़ गई है, मेरी कॉम्बैक्ट पावर 30 थी लेकिन अब 10,000 हो गई है। मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ चेन लॉन्ग। चेन लॉन्ग उसे मात्र एक किक मारती है और वो दूर जाके गिरता है। ये दोनों भी पॉपकॉर्न खाते हुए उनकी फैट को एंजॉय कर रहे होते हैं। सुई फिर से वापस आता है और अपने कैरेट चॉप स्किल से पे अटैक करता है। चेन लॉन्ग का इस पे कोई असर नहीं होता, वो सिर्फ मात्र अपने एक पेटल से ही उसे ब्लास्ट कर देती है। सुई एकदम तेजी के साथ अपनी शॉट की अब कैरेट होती है लॉन्ग पे लगातार वॉर कर ही रहा होता है। दूसरी तरफ चेन लॉन्ग उसके बट पे जो मार रही होती है कैरेट से, फिर उस पे तेजी से अटैक करता है। चेन लॉन्ग फिर उसके बट पे आराम से मार रही होती है। शुई अपने ऑल शॉट स्किल से उस पे अटैक करता है। इस अटैक से भी वो बच जाती है। चेन लॉन्ग कहती है, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, इतना टाइम हुआ है। इस पे सुई कहता है कि 10-15 हो रहे हैं। लॉन्ग कहती है कि ओ काफी रात हो चुकी है, मुझे अपने बेड पे चले जाना चाहिए कि मैं अपनी ब्यूटी स्लीप ले सकूं। तो सुई कहता है कि लड़कियों को ज्यादा देर तक जागना उनके स्किन के लिए ठीक नहीं है, उनकी स्किन को डल कर सकता है और उन्हें डार्क सर्कल्स भी हो सकते हैं। ठीक है अब मैं चलता हूँ। अचानक से उसे याद आता है वो बैड मॉन्स्टर कहते हुए उस पर अपनी गाजर से अटैक करने वाला होता है। यहाँ लॉन्ग चेन अपनी ड्रैगन स्प्रिट से उस पर हमला करती है, तो वो सह नहीं पा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं शुई को जो अभी बनी के फॉर्म में होता है और वो एकदम बेबी की तरह सो रहा होता है। चेन यहाँ उन दोनों से पूछ रही होती है, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? ऊपो कहता है कि बदकिस्मती से है तो हमारा ही दोस्त। एक गाजर फेंक के उसे इशारा करती है, तो वो एकदम वफादार डॉगी की तरह उसके सामने वो ला के रख देता है। यहाँ उसके चूते ही वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वो कह रही होती है कि कुल्लून सेक्ट के लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। और फिर हमें 300 साल पहले की एक कहानी दिखाई जाती है कार्टून के फॉर्म में। वहाँ कुल्लून सेक्ट के फाउंडर यानी शुई के मास्टर लॉन्ग चेन को ललकारते हुए पकड़ने आए होते हैं। वो उसे बुरी तरह हार जाते हैं। हमें कुछ दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। हाँ वो मास्टर छुपते हुए उसे कह रहा होता है, आखिर दोबारा क्यों आई हो? तुम 300 साल से सिंगल हो, तुम्हारे पास इतना बेकार का वक्त है जो इधर उधर घूमती ही रहती हो, कहीं तुम्हें मुझ पे क्रश तो नहीं है? रखो भले ही तुम्हारे पास माउंटेन्स और रिवर्स को कंट्रोल करने की पावर है, लेकिन तुम मेरे जैसे एक कल्टिवेटर के हार्ट को कभी जीत नहीं पाओगी। ले तुम मेरे प्यार में गहराई तक डूब चुकी हो। ये सुनते ही लॉन्ग चेन उसे पकड़ लेती है। वो कहता है कि मेरा मतलब था बिना किसी पर्पस के लाइफ जीना कितना बोरिंग है, तुम अपना खुद का सेल्फ कल्टीवेशन सेट क्यों नहीं सेट करती जैसे मैंने किया है? देखो अभी मेरे पास कितने सारे शिष्य हैं, ये प्यार में पढ़ते देखता हूँ, फिर उनके ब्रेकअप को देखता हूँ, फिर उनके झगड़े को देखता हूँ, कितना फन है इसमें। चेन यहाँ इन्हीं बातों की सोच में होती है और कहती है, मेरी लाइफ हजारों सालों से इसी तरह बोरियत में कट रही है, इससे बेटर है कि मैं कुछ डिसिपल्स को रिक्रिएट करूँ ताकि मेरी जिंदगी में भी कुछ फन आ जाए। मैं तुम तीनों को चुनती हूँ एज माय शिष्य, जिस पे वो दोनों उसे तुरंत ही मास्टर कहने लगते हैं। लेकिन यहाँ शुई कहता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा कुल्लून सेक्ट का ही शिष्य रहूंगा, मेरे मरने के बाद भी कुल्लून सेक्ट का ही घोस्ट कहलाऊंगा। तभी वो उसके सामने एक रॉड रखती है, इसे देख के शुई तुरंत उसे मास्टर कहने लगता है। वो कहता है कि ये रॉड को जो भी हासिल कर पाएगा वही हमारे कुल्लून सेक्ट का सुप्रीम होगा। यहाँ लॉन्ग चेन उस रॉड को खोजली करने के लिए इस्तेमाल कर रही होती है। यदि ये तो सिर्फ मेरे लिए खिलौना है, तुम्हारे मास्टर ने मेरी एक उंगली के वार से हारा था। वो कहती है कि तुम तीनों के लिए मेरे पास एक टास्क है, इस खिलौने को ले लो जो तुम्हारे लिए सेल्फ डिफेंस का काम करेगा। वो यहाँ उन तीनों को देख रही होती है कि आखिर ये किसे दे। इस पे सुई कहता है कि जाहिर है मैं सबसे सीनियर ब्रदर हूँ तो ये मुझे ही मिलना चाहिए। हुपो कहता है कि मैं तुमसे 1,000 साल बड़ा हूँ, ये मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा बिग सीनियर ब्रदर हूँ। भी यहाँ पीछे नहीं रहती है और वो कहती है कि मैंने सबसे पहले आपको मास्टर कहा था, मैं आपकी सबसे पहली शिष्या हूँ। यहाँ कह रहा होता है कि मैं यहाँ फर्स्ट सीनियर ब्रदर हूँ। जावली कहती है तो तुम मुझे बिग सीनियर ब्रदर क्यों नहीं कहते?
मतलब है कि बिग सीनियर सिस्टर, ये तीनों यहाँ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं कि बिल्ली फिश और ह्यूमन की तरह। ये सब उनकी सुप्रीम मास्टर चुपचाप से देख रही होती है। कहती है कि एक मिनट, याद आया कि मैं तो पहले ही किसी को अपना फर्स्ट शिष्य बना चुकी हूँ। वो जिस शिष्य की बात कर रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि आसी होता है, एक फॉक्स स्पिरिट है। वो उसका शिष्य कैसे बना होता है ये जानेंगे हम नेक्स्ट सीजन में। गाइज कीप वेटिंग फॉर नेक्स्ट सीजन, ये जैसे ही अपलोड होते हैं मैं इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर करूँगी। साथ ही मेरे चैनल को कर दे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इस तरह की मज़ेदार एनिमीज आपको एंटरटेनमेंट कर सके। ते हैं आपसे एक न्यू अमेजिंग सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल, बाय।